स्वागत है आपका इस वीडियो के माध्यम से। हम जानेंगे आप एक आउटलुक में अपना ईमेल आईडी को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने से पहले आपको आपके अकाउंट का देखना होगा लेस सिक्योरिटी ऐप एक्सेस इनेबल हो। एक एग्जांपल हमारे स्क्रीन पर दिया गया हुआ है गूगल का। इस स्टेप के कंप्लीट होते ही आप आउटलुक को ओपन कर लीजिए। आउटलुक ओपन करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में जाना होगा। वहां पे आपको आउटलुक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन होगा आप नेक्स्ट करिए एंड देन अगेन नेक्स्ट कर दीजिए। चेक कर लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली वर्किंग में हो। यूजर नेम फिल कर लीजिए, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड कर लीजिए। अगर आपको पोर्ट्स मैनुअल रखने हैं आप इसे मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में नीचे मिल जाएगा। जैसे इतना कंप्लीट हो जाए आप नेक्स्ट कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका ईमेल एड्रेस आपके सर्वर के साथ। और फिनिश कर लीजिए। आपका आउटलुक अगेन ओपन होगा और जो भी आपकी फाइल्स हैं आपके सर्वर से फैच करना स्टार्ट करेंगी। उससे पहले कुछ RSS फीड और जंक ईमेल्स ओपन करने के लिए कहेगा। आप उन स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। डाउनलोड ईमेल प्रोग्रेस आप चेक कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिए गए GUI से। डेटा को चेक करने के लिए ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है आप अकाउंट सेटिंग में भी जा सकते हैं, और साथ ही आप पाथ देख सकते हैं आपका PST फाइल कहाँ पे बन रहा है। अगर आप मैन्युअली अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी OST फाइल की। ऑटोमेटिकली करते हैं तो आपको एक PST फाइल बनेगी। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं स्क्रीन पर। अभी आपका ईमेल करप्ट हो जाए तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। स्कैन PST से और OST को स्कैन OST से। ब्राउज कर लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी ईमेल को वापस अगेन रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।